हेलो फ्रेंड, मेरा नाम जिसान आलम है। अभी मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया है जिसका नाम वर्ड इन्वेंशन है। इसको मैंने वर्डप्रेस में बनाया है। इसमें मैं अपने सजेशन को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसमें मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं। जैसे मैंने लिखा है पहले अबाउट अबाउट मतलब मैंने इसमें थोड़ा लिखा है, जैसे दिस ब्लॉग इज़ क्रिएटेड बाई मिस्टर जिसान आलम फॉर शेयरिंग अवर थाट टू अदर पीपल बिकॉज एवरी पीपल नो एंड थिंक रिलेटेड टू न्यू जनरेशन इन्वेंशन एंड ऑलवेज सर्च फॉर डूइंग बेटर टू बेस्ट एंड थिंक न्यू इनोवेटिव आइडियाज एंड ट्राई टू डूइंग स्पीचलेस इन्वेंशन। सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यू थिंग। मतलब मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें मैं अपने आइडियाज़ को आपसे शेयर करूँगा। बहुत से लोग हैं जो देश के बारे में और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं लेकिन वो कुछ शेयर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है जिसमें माई इनोवेटिव था। थर्ड है माई इनोवेटिव थाट फॉर नेशन। जैसे मैं अपने देश के लिए अगर कुछ सोचता हूँ तो इसको मैं डायरेक्ट सीपी ग्राम साइड है जिस पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसके उससे रिलेटेड ब्रांच को सीपी ग्राम गवर्नमेंट यस जो पीजी पोर्टल हमारा आएगा एक सीपी ग्राम पोर्टल ही हमारा आ जाता है। इसमें मैंने अपने पहले से ही लॉगिन किया हुआ है। इसको मैं अभी लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे इस तरह से पोर्टल ये ओपन हो जाएगा। इसमें मैंने हालांकि दो पहले से ही अपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके दो डाल रखे हैं मैंने। इसमें मैंने से मेक के सोलर ट्रेन मेक प्लान फॉर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार टू अपोजिट फोर्स अपोजिट विंड यूज करके मैं इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहता हूँ। कोई व्हीकल चलता है उससे रिलेटेड इसमें आप जाकर डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं कि हाँ मुझे क्या लिखना है। जैसे अगर पब्लिक रेवेन्यू से लिखेंगे इसमें बहुत सी चीज़ें पूछेगा। जैसे आई एग्री करके सबमिट करता हूँ मैं तो इसमें जैसे आएगा नाम ये तो आप लॉग इन करेंगे तो ऑलरेडी इसमें रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट किसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में लिखना चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट बहुत सारे इसमें आ जाएगा। किसके लिए आप लिखना चाहते हो कौन सी मिनिस्ट्री क्या लिखना चाहते हो सब चीज़ आ जाएगी इसमें। बकायदा अगर कोई फाइल है तो आप इसको अपलोड कर सकते हो। अगर आप यहाँ से नहीं लिखना चाहते हो और आप चाहते हो कि हम तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट राइट टू प्राइम मिनिस्टर राइट टू प्राइम मिनिस्टर। इस पर आप जा सकते हो एक वेबसाइट खुल जाएगी pmindia.gov.in। इसमें आप जाके या तो अपने आइडियाज शेयर कर दो या आप अगर डायरेक्ट कुछ प्राइम मिनिस्टर को लिखना चाहते हो यहाँ से आप जाकर प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट लिख सकते हो। इस प्रकार से साइट ओपन हो जाती है राइट टू प्राइम मिनिस्टर करके। इसमें अपना नाम क्या है आप मेल फीमेल वट एवर कंट्री एड्रेस पिन कोड स्टेट मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एंड ये डिटेल आप पूरी भर सकते हो। कैटेगरी में भर सकते हो पब्लिक ग्रेवेंस है क्या है अपॉइंटमेंट विद पीएम है और इसका ये इसमें अगर आपको कुछ पीडीएफ अटैचमेंट करना है तो वो भी करके आप सबमिट कर सकते हो। इससे आजकल क्या है कि ऊपर कोई ना कोई डिवीजन में पड़ता है तो आपको इस पर बेस्ट रिप्लाई भी आता रहता है। मेरा जो इनोवेटिव थाट्स है माई इनोवेटिव थाट्स में मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं जैसे मेक ए होम फ्लाई इन एयर विदाउट बीम रोटेटिंग एक्सेस मेक ए हाइब्रिड इंजन डबल एक्टिंग फोर्स मेक ए हाइब्रिड मोटर सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी मेक ए सोलर ट्रेन नेट मेटर फॉर्म मेक सिस्टम टू यूज व्हीकल अपोजिट फोर्स मेक अंडरग्राउंड बैंक मेक ए सेल्फ रिपेरेबल टायर मेक ए फुट ड्रिवन हेलीकॉप्टर मेक ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अपोजिट फोर्स एंड यूज दिस फोर्स टू व्हीकल फ्लोटिंग एंड टर्बाइन रोटेटिंग मेक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिफरेंशियल मेक ए बैटरी चार्जिंग 1 सेकेंड बिकॉज चार्जिंग सोर्स इज लार्जेस्ट कंपेयर टू बैटरी कैपेसिटी मेक कन्वर्टर टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक टू फ्रिक्वेंसी टू इलेक्ट्रिक सप्लाई विदाउट वायर स्टार्ट ए चैनल लाइक इंडिया गॉट टैलेंट एंड इनवाइट टू टैलेंटेड स्टूडेंट एंड ही कम एंड टोल्ड हिज हर इनोवेटिव थॉट्स एंड कंपनी हायर इन दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट टू हायर पैकेज। तो वो सभी लोग को जो भी स्टूडेंट आएंगे या कोई भी एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर स्टूडेंट से लेकर हायर थिंकिंग तक सब अपनी बात को रखेंगे तो उससे क्या है कि दूसरी कंपनी को उसकी एबिलिटी का पता चलेगा। मेक ए डिस्ट्रॉयर एंड सेंड टू टू दिस इक्विपमेंट सेंड दे फॉर ही हाई फ्रिक्वेंसी एंड डिस्ट्रॉय अदर कंट्री वेपन कन्वर्ट सोलर टू इलेक्ट्रिक इन स्पेस एंड सप्लाई 24 आवर मेक ए प्लांट एंड इंजन एंड ही है वाज वर्किंग प्रकाश संश्लेषण रोल एंड रिमूव ऑक्सीजन मेक फोर्स डबल विथ यूज ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी बाई यूजिंग सस्पेंशन डिस्प्लेसमेंट एंड व्हीकल वेट फोर्स मेकिंग जनरेटर विथ 1 किक बाय मैन ही वॉज चार्जिंग 1 सेकेंड चार्जेबल बैटरी एंड हिज कंपोनेंट यूज इन बाइक फॉर फ्यूल लेस व्हीकल एंड मेक 1 वेबसाइट फॉर इजी टू कंपेयर प्राइस एंड फॉर कैब बुकिंग एंड अदर आर्स। थर्ड पॉइंट इज कमिंग देयर माई थॉट फॉर नेशन। मैं क्या अपने देश के लिए सोचता हूँ क्या मैं देश को करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने पीएमओ तो पहले भी रजिस्टर किया है कई सारी चीज़ें लिखा हूँ। जैसे मैंने इसका स्टेटस 14 जून 2018 में मैंने चेक किया था। इसको मैंने लिखा है 4/2017 में। इसमें क्या लिखा था मैंने पहले भी सोलर ट्रेन के बारे में इसमें लिखा हूँ फीडबैक मैंने दिया था ग्रामीण भाई मेरे को फीडबैक उधर से मिला है
और इसी प्रकार मैंने लिखा था 2016 में भी, इसमें लिखा हूँ जैसे कि तो मुझे पता नहीं कि मतलब आप तक बात पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही, एंड अपने आइडियाज शेयर करता हूँ। जैसे बायोगैस प्लांट के द्वारा इलेक्ट्रिक बनाने के लिए मैंने लिखा था, जो घर घर से निकले हुए कचड़े को, लोकल पब्लिक अपने कचरे को अलग अलग बेचेगी और उसके बाद बिजली में उनको डिस्काउंट मिलेगा वट एवर। तो उधर से भी मुझे डिटेल दिया महोदय, कूड़े कचरे से विद्युत उत्पादन की योजना नगर विभाग द्वारा संचालित की जा रही क्रियान्वित नहीं है, यूपी नेडा में कचरा खरीदने इस टाइप से कुछ बीच में है नहीं। मैंने किन्नरों के ऊपर लिखा था कि अगर जिस टाइप से किन्नरों ने आज देश में बच्चा परेशान घूम रहे, ट्रेनों में पैसे मांगते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी करते हैं, तो उनको भी एक कंसेशन मिले ताकि कुछ भी वो अपनी लाइफ को सेटल कर सके और पब्लिक उनको कुछ नजर से ना देखे। फिर मैंने एक लिखा है कि जैसे वाटर रिसोर्स हमारे पास कम हो रहे हैं, वाटर लेवल कम हो रहा है उसके अंदर, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि जो रोड और जो ब्रिज पर पानी गिरते हैं तो जब कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है तो उसी समय हमें पाइलिंग करके ड्रिल करके अंडर टैंक बना के हमें उस पानी को पहले अंडर टैंक करके ज़मीन के अंदर कर देना, ताकि वो धीरे धीरे डिस्क ज़मीन में पहुँच जाए। जैसे रोड हो गया, ब्रिज हो गया, और जो भी गवर्नमेंट भी अपार्टमेंट बनते हैं, प्राइवेट अपार्टमेंट बनते हैं, इनमें फिर फैसिलिटी किया जाए ताकि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा हम अंडरग्राउंड कर सकें। फिर मैंने लिखा है कि जैसे कि कहीं पर ज़्यादा धूप होती है या कुछ होता है तो पब्लिक जैसे रुकती है, तो बीचों बीच कई जगह धूप ही रहता है, पेड़ भी लगता है, तो उस जगह क्या क्या अम्ब्रेला बनाया जाए, उल्टा अम्ब्रेला, ताकि पानी का जो बरसात का पानी उसके अंदर से रिस के ज़मीन के अंदर चला जाए और पब्लिक भी उसके नीचे बैठ के आराम कर सकती है। फिर मैंने लिखा है जैसे भूमाफिया के रिगार्डिंग, तो जैसे लिखा है कि जितनी भी ज़मीन सबको आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए, ताकि फिंगरप्रिंट के द्वारा सबके साथ रहेगा तो फिर कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता उस ज़मीन का। जितने भी लोग हैं उसके बारे में पूरी इसमें मैंने कहानी लिखी है, उनको मैंने दिया है। मैं लास्ट में अपने लिए इसका ब्लॉग का लिंक भी शेयर कर दूंगा नीचे, पीएमओ की साइडों का भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आपके अंदर भी कोई सजेशन हो आप पीएमओ को डायरेक्ट लिखें और मुझे भी बताएं, ताकि मैं भी कुछ अपने थिंकिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। जस्ट मैंने यहाँ लिखा जैसे मैंने प्लास्टिक वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए कि आई हैव डिसाइडेड प्लास्टिक वेस्टेज 1 रुपीज, 1.5 रुपये, इसके बाद मैंने फिर बायो वेस्टेज का 2 रुपये रेट डिसाइड किया, ताकि पब्लिक पीपल जो है, गरीब पीपल है या कुछ भी है, वो अपने आप उस चीज़ को उठा के ज़मीन मतलब उस मशीन में डाल देते हैं या बेच देते हैं उस शॉप पे कुछ पैसे के लिए या कुछ भी है, तो इससे हमारे देश की कंट्री साफ भी हो रही है और इम्प्रूवमेंट। कुछ मैंने गूगल मैप को कुछ गूगल के लिए भी लिखा है, फिर मैंने कुछ फेसबुक के लिए भी आइडिया लिखा है, इसको आगे भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट माई थॉट रहा मैंने, एंड सब चीज़ के पूरी डिटेल में आपको आगे बताता रहूँगा। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मैं आगे पॉइंट टू पॉइंट जस्ट जैसे मैंने लिखा माई नो टू थॉट, आप सेकंड पॉइंट पर अगर आएंगे माई नो टू थॉट में मैंने इसको फर्स्ट लिखा मेक ए होम फ्लाई इन एयर विदाउट एनी बीम एंड रिटेटिंग हिज एक्सेस एंड डू नॉट अवेलेबल इन दी होम। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, सिर्फ इस एक पॉइंट को क्लियर करूँगी मैं क्या सोचता हूँ, मैं इस वीडियो में क्या बनाना चाहता हूँ, किस टाइप से घर को मैं हवा में उड़ाने की बात कर रहा हूँ, बिना डोर का घर के अंदर कैसे रहूँगा, किस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन जो आपके अंदर हैं वो मैं आपको उसमें शॉर्ट आउट करूँगा। मैं अपने बारे में बताऊँगी क्योंकि इस वीडियो में आप सोच रहे हैं सिर्फ लिखा है इससे ये सब पॉसिबल नहीं, बट इनके बारे में भी मैंने कुछ सोच रखा है, क्योंकि जैसे आपको हाइपर लिंक दिख रहे हैं, जिन जिन हाइपर लिंक है उसमें मैंने ऑलरेडी लिख दिया। जैसे मैंने मानी एग्जाम्पल के लिए चौथा उठा दिया कि सोलर ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म एंड जर्नल इन पर लिखा है, तो मैं टोटल ट्रेन और स्टेशन को मिला दूँ तो 24,10,40,000 रुपये पर ईयर की कॉस्टिंग हमारी सेव होगी। इसके लिए मैं ब्रीफ डिटेल और भी अपना वीडियो में देता रहूँगा पॉइंट टू पॉइंट, बट अभी के लिए ये आप मेरा चैनल लाइक करें और मेरे ब्लॉग को पढ़ें। थैंक्स फ्रेंड।